नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम रक्सौल बीरगंज बॉर्डर पर खड़े हैं। अभी आप जो यह जगह देख रहे हैं, यह बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। यह नेपाल का मुख्य प्रवेश द्वार है। आपको याद होगा 20 सितंबर 2015 को जब नेपाल में नया संविधान बनाया गया था, उस समय तराई में निवास करने वाले जनता, जिन्हें मधेश कहा जाता है, उन्हें बहुत सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप बहुत उग्र आंदोलन ने यहाँ जन्म लिया था। इसी रास्ते से होकर नेपाल में बहुत सारे सामान भारत सरकार के द्वारा निर्यात किए जाते हैं। बहुत सारे जरूरी के सामानों का आयात नेपाल भारत से कराती है और इस जगह को नो मैंस लैंड कहा जाता है, यानी कि इस जगह पर नेपाल और भारत की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। मधेशी ने यहाँ पर कैंप लगाकर इस रास्ते को बाधित कर दिया था, जिसके फलस्वरूप भारत से नेपाल में जाने वाले बहुत जरूरी की सामानों की किल्लत हो गई थी। उग्र आंदोलन के वजह से नेपाल में पेट्रोल और खाने पीने की ज़रूरत की चीज़ों में भारी कमी हो गई थी, जिसके वजह से वहाँ पर हाहाकार मच गया था। अंततः नेपाल सरकार को संविधान में संशोधन करके बहुत सारे अधिकार को प्रावधान कराने पड़े थे। उसके बाद से नेपाल में नए संविधान लागू हो गए और वहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। यह गेट बहुत ही ऐतिहासिक गेट है जो बीरगंज में स्थित है। अगर आप रक्सौल बीरगंज रास्ते से अगर आएंगे और रक्सौल के रास्ते हुए अगर बीरगंज आप प्रवेश करेंगे तो यह गेट आपको दिखाई देगा। यह भव्य गेट बहुत ही आकर्षक और सुंदर है। यहाँ से काठमांडू की दूरी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास होगी और पोखरा की दूरी लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है। घूमने के लिहाज से नेपाल बहुत ही अच्छा देश है, बहुत ही मनोरम देश है। वहाँ की वातावरण, वहाँ की सुंदरता वाकई में बहुत ही मनोरम है। अगर आप नेपाल में घूमना आना चाहते हैं तो इस रास्ते से आ सकते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है बीरगंज बस पार्क। वहाँ से नेपाल के विभिन्न जगहों पर बस उपलब्ध होता है। वहाँ बस पकड़ के नेपाल के बहुत सारे हिस्सों में जा सकते हैं, जैसे काठमांडू, पोखरा, मुस्तांग। बहुत अच्छा जगह है, एक बार ज़रूर आइए नेपाल में घूमने। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेपाल में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।